जब से ईसाइयों को यह ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मांड विज्ञान वेद पुराणों में बहुत विस्तृत तरीके से दिया हुआ है, तो उन्होंने भी ये दावा ठोक दिया है कि बाइबल में बहुत सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स अर्थात एलियंस, या जैसा हिंदी में हम कहते हैं परग्रह जीवी, के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। तो इसके संदर्भ में ईसाई कहते हैं कि उनके जॉब 38.7 यानी याकूब 38.7 में जो एंजल्स हैं यानी फरिश्ते जो जिक्र किया गया है, जिसे हिंदू पुराणों में देवदूत कहते हैं, वह दरअसल आसमान में रहने वाले यानी पृथ्वी के ही वायुमंडल में रहने वाले एलियंस हैं, परग्रह जीवी हैं। अब यह एंजल्स कैसे परग्रह जीवी हैं ये तो ईसाई ही जानते हैं, जो ये भी दावा ठोकते हैं कि जो महामानव नेफिलिम्स का जिक्र है जेनेसिस उत्पत्ति 6.4 और नंबर्स गिनती 13.33 में, वह भी परग्रह जीवी हैं। अब जो जिहादी हैं वो भी ईसाइयों से कम नहीं है, वो भी अपने इस्लाम को सबसे वैज्ञानिक मजहब बताना चाहते हैं, तो उन्होंने भी दावा ठोक दिया कि ऐसे ही फरिश्ते अर्थात एलियंस का जिक्र कुरान में भी है और बहुत सारे एलियंस कुरान में पहले से मेंशनड हैं। जैसे वो कहते हैं कि जो जिन जिन्नात होते हैं जो कुरान 55.39 में जिनका जिक्र करता है, वह जिन दरअसल एक बहुत ही बुद्धिमान जाति के परग्रह जीवी हैं, और ऐसे ही कुरान 42.30 में भी उनके खुदा अल्लाह ने कई दूसरे दुनिया बनाए और उन अलग अलग दुनियाओं में कई तरह के परग्रह जीवी बनाए। लेकिन कुरान और बाइबल दोनों ही बहुत कम सूचना देते हैं परग्रह जीवियों के बारे में, उतना सटीक ज्ञान नहीं है बाइबल कुरान में, बल्कि वहीं हमारे वेद पुराण में खासतौर से भागवत महापुराण में परग्रह जीवियों के बारे में विस्तृत जानकारी दिया हुआ है। कितने लोक हैं, उनके कितने मेजर किस्म के परग्रह जीवी हैं, उनका जिक्र वेद पुराणों में ही है। आज हम उसी का अध्ययन करेंगे। ओम हनुमते नमः। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 2.5.40-42, वह श्लोक कुछ इस तरह है। तत्कटियांग चातलंग क्लिप्त मरुभ्यांग वितलंग विभो जानुभ्यांग सुतलंग शुद्धंग जंगाभ्यांग तू तलातलम महातलंग तू गुल्फाभ्यांग प्रपाताभ्यांग रसातलम पातालं पादतल इति लोकमयः पुमान भूलोकः प्राचीन प्रति में यह श्लोक नहीं है। कल्पितः पदभ्यां भुवरलोकस्य नाभितः स्वरलोकः कल्पितो मूर्धना इति वा लोककल्पना। अब इसके अनुसार यह परिकल्पना किया गया है कि यह पूरा सृष्टि एक मनुष्य के आकृति में है जो चारों तरफ फैल रहा है। तो इस परिकल्पना में पृथ्वी के ऊपर 7 प्रमुख लोक हैं जहां पर ग्रह जीवी हैं या एलियंस हैं, और पृथ्वी के नीचे 7 और लोक हैं जिसमें भी दूसरे प्रकार के परग्रह जीवी हैं। तो वह लोक क्या हैं वो देखिए, उनका नाम उस विराट पुरुष की कमर में अतल जांघ में वितल घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जंघाओं में तलातल की कल्पना की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल पंजे और एड़ियों में रसातल और तलुओं में पाताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय हैं। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी है, नाभि में भुवरलोक है और सिर में स्वरलोक है। यानी हमारे वेद पुराणों में जो प्रमुख लोक जहां पर परग्रह जीवी हैं, प्रमुख लोक, वैसे तो परग्रह जीवी कई लोकों में हैं, लेकिन प्रमुख लोक जिनसे मनुष्यों का पाला पड़ता है या मनुष्यों के जीवन पर असर होता है, वह है
अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल स्वर्लोक भूम पृथ्वी जो कि पृथ्वी लोक है भूवर लोक इत्यादि। तो यह चीज वेद पुराणों में ही है, कुरान और बाइबल में नहीं। अब और आगे पढ़ते हैं कुछ और चीज। ओम हनुमते नमः। अब हम भागवत महापुराण 3.15.13 16-23 पढ़ेंगे। समय के कमी की वजह से हम इसके कुछ एक श्लोक ही पढ़ेंगे। यह पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ एक लोक का विस्तृत वर्णन किया गया है। हम उसके ही कुछ जो निष्पक्ष श्लोक हैं, यानी जिसमें भक्ति भाव नहीं है, जिसमें सिर्फ विज्ञान है, हम उन श्लोकों को ही पढ़ेंगे। विज्ञान और भक्ति भाव मिश्रित श्लोकों को हम नहीं पढ़ेंगे समय के कमी के कारण। तो श्लोक कुछ ऐसे दिए हुए हैं। त एकदा भगवतो वैकुंठ श्यामल आत्मनः ययुर्वैकुंठ निलयं सर्वलोकं नमस्कृतम्। वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोक शमल क्षपपणानि भर्तुः अंतर्जले नुविकसन्म धुमाध विनां। प्राचीन पांडुलिपि में है जले तु विक गंधेन खंडित धियो प्यनीलं क्षिपन्तः। प्राचीन पांडुलिपि क्षिपंती। तो इसका आखिरी श्लोक देखते हैं। यत्सकुलं हरि पदानति मात्र दृष्टै दृष्टैर व दुर्य मार्कत हेम मयैर विमानैः येषां बृहत् कटी तटा स्मित शोभी मुख्यः कृष्णात्मानां न रज आद धुरुत्यस्म याध्यै। अब इसका अर्थ देखते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्वमय सब लोकों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां विमानचारी गंधर्व गण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशि को भस्म कर देने वाली हैं। उस समय सरोवरों से खिली हुई मकरंद पूर्ण वासंतिक माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्त को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, वरन उस गंध को उड़ाकर लाने वाले वायु को ही बुरा भला कहते हैं। वह लोग वैदुर्य मरकत मणि पत्रे और सुवर्णा के विमानों से भरा हुआ है। यह सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवत भक्तों के चित्तों में बड़े बड़े नितंबों वाली सुमुखी सुंदरियां भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर हास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। यानी एक प्रमुख लोक वैकुंठ लोक का वर्णन भागवत पुराण में है, जिसमें ये कहा गया है कि वहां पर वायु है, यानी वायुमंडल यानी हवा एटमॉस्फियर है, ऑक्सीजन है, और वहां के जो परग्रह जीवी हैं वो उन्हें गंधर्व कहा जाता है, और वह तरह तरह के विमानों में बैठकर भ्रमण करते हैं और उनके पास बड़े बड़े यंत्र भी हैं। आज भी हम जानते हैं कि जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स पर रिसर्च करते हैं वो मानते हैं कि एलियंस के पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास एयरक्राफ्ट्स है, स्पेसक्राफ्ट्स है और मशीन्स हैं, जैसा कि भागवत पुराण भी 1500 बिफोर क्राइस्ट यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट में कहकर गया। हम आगे एक और
श्लोक पढ़ेंगे, अभी रामायण से पढ़ेंगे जो कि 5000 बिफोर क्राइस्ट में पुराणों से पहले लिखा गया था। ओम हनुमते नमः। आदि वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड 8.6। मिस्र, एस्टेक, माया, इनका, अफ्रीका, नूबिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटेमिया, सुमेरिया, अक्काद, असीरिया, चीन, इन सब सभ्यताओं में प्राचीन काल के मूर्तियों में और पत्थरों में उन्होंने अंकित किया है परग्रह जीवियों का। तो उसमें वो जो परग्रह जीवी होते हैं वो मुखौटा पहनते हैं, यानी हेलमेट पहनते हैं जो उनका पूरा सर और चेहरे को ढकता है। तो ऐसे ही एक परग्रह जीवी का वर्णन रामायण में हनुमान देते हैं जब वो लंका में जासूसी करने जाते हैं, परीक्षण निरीक्षण करने जाते हैं, तब वो देखते हैं उनको। उनका नाम है भूतगण। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये शिव के गण भूतगण हैं, ये एक परजीवी है, परग्रह जीवी है जिनका नाम भी भूतगण है क्योंकि वो दिखने में बहुत भयानक थे। तो श्लोक है, विशेष मालंब्य विशेष संस्थितं विचित्र कूटं बहुकूट मंडितं मनोभिरामं शरीरदीन्दु निर्मलं विचित्र कूटं शिखरं गिरेर यथा। अर्थात वह विमान गति विशेष का आश्रय ले व्योम रूप देश विशेष में स्थित था। आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं का समुदाय उसमें एकत्र किया गया था। बहुत सी शालाओं के कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह शरद ऋतु के चंद्रमा के समान निर्मल और मन को आनंद प्रदान करने वाला था। विचित्र छोटे छोटे शिखरों से युक्त किसी पर्वत के प्रधान शिखर की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार अद्भुत शिखर वाले उस पुष्पक विमान की भी शोभा हो रही थी। अब इनको चलाने वालों का जिक्र आता है सातवें और आठवें श्लोक में। वहन्ति यंतकुंडल शोभितमाना महाशाना व्योम रा निशाचरा विव्रति विध्वस्त विशाल लोचना महाजवा भूतगणा सहस्रशः वमंत पुष्पोन तत्कर चारु दर्शनं वसंत मासादपि चारु दर्शनं सपुष्पकं तत्र विमान मुत्तमं ददर्श तद्वानर वरी सत्तमः। जिनके मुखमंडल कुंडलों से सुशोभित और नेत्र घूमते या घूरते रहने वाले निवेश रहित तथा बड़े बड़े थे, वे अपरिमित भोजन करने वाले महान वेगशाली आकाश में विचरने वाले तथा रात में भी दिन के समान ही चलने वाले सहस्त्रों भूतगण जिसका भार वाहन करते थे, जो वसंत कालिक पुष्प पुंज के समान रमणीय दिखाई देता था और वसंत मास में भी अधिक सुहावना दृष्टि गोचर होता था, उस उत्तम पुष्पक विमान को वानर शिरोमणि हनुमान जी ने वहां देखा। तो यहां पर जब विमान और खास तौर से पुष्पक विमान को चलाने वाले जीवों का वर्णन है तो उसमें परजीवी का ही जिक्र है क्योंकि इसमें कहा गया कि उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे, वो रात में भी एकदम साफ देख सकते थे और वो पलके नहीं झपकाते थे और महान शक्तिशाली और कुरूप और विभत्स यानी डरावना दिखने वाले थे जो पुष्पक विमान और दूसरे विमानों की रक्षा और संचालन करते थे लंका में। तो यानी इन दो तीन श्लोकों में परग्रह जीवियों का शारीरिक रचना का भी जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि वह तकनीकी तौर पर बहुत ही विकसित हैं और थे। ओम हनुमते नमः। यह सब ज्ञान सिर्फ वेद पुराणों में ही मिलेगा, रामायण में ही मिलेगा, भागवत पुराण में ही मिलेगा, बाइबल कुरान में बिल्कुल नहीं।